हेलो दोस्तों, तो एम एस किचन लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, जिसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से इसे बना करके नाश्ते में ले सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिज्जत पापड़ को ग्राइंड कर लेना है। मैंने 2 लिज्जत पापड़ लिया है, जिसे मिक्सर में डाल करके पाउडर बना लिया है। तो अब इसे निकाल करके अलग रख देते हैं। अब एक बाउल ले लें, जिसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालें, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक भी मिला दें। इसका घोल तैयार करना है। जब इसका घोल बनाए तो एकदम गाढ़ा घोल भी नहीं बनाना है और न ही पतला, मीडियम घोल बना करके तैयार करें। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लें। घोल तो तैयार हो चुका है, अब इसे अलग रख देते हैं। अब एक बाउल ले लें, इसमें उबला हुआ आलू को मैश करना है। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालें, 2-3 हरी मिर्च चॉप्ट करके डालें, 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप्ट करके डालें। इसे हल्का ब्राउन कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आलू डाल देंगे। अब इसे टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालें, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, धनिया पत्ता भी ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला भी ऐड करें। सभी को डाल करके भून लेना है। भून करके इसे अलग रख दें ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तब इसका हम पीस बना लेंगे। तो इसे इस तरह से काट करके पतला पतला पीस बना लें। तो मैंने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पहले इसे घोल में डीप कर देंगे। अब इसे निकाल करके इसमें जो पाउडर बनाया है उसमें इसे लपेट देना है। लपेट करके इसे डीप फ्राई कर लें। फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, तो फ्लेम मीडियम ही रखें। उसी तरह सारे पीसेस को तल करके निकाल लेंगे। तो गाइज, इस रेसिपी को आप चाय या नाश्ते में ज़रूर बनाएं, ज़रूर आप एक बार ट्राई करें और आपने बनाया तो कैसा बना ज़रूर कमेंट करें। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, इसे मैं तोड़ करके दिखलाती हूँ ये अंदर से मुलायम ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।